रहीम, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल पर। ये लो जॉब ले लो जी। देखें जी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की तरफ से जो है वो वैकेंसीज आई हैं। 17 अगस्त 2022 का न्यूज़पेपर है डेली K2, उसमें ये वैकेंसीज हैं। एक एक करके आपको जल्दी से बता दूंगा। देखें, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उनकी तरफ से ये जॉब है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ। देखें जी, इनको डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। MBA MPA मास्टर डिग्री जिसकी हो साइंस में, मैनेजमेंट साइंस में, सोशल साइंस में, तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। जल्दी से आपको बता रहा हूँ, एडमिन है, डायरेक्टर है। जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा वो इस पे अप्लाई करे, जो नहीं है वो थोड़ा सा रुके। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सारी जॉब्स हैं, ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपके मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से रुकें, बस थोड़ा सा वेट करें अगली जॉब के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर है, देखिए MPA मास्टर डिग्री हो, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस में, सोशल साइंस में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, ठीक है, तो मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन IT में, ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। देखें, फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसमें जिसने अप्लाई करना है, देखें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसमें मास्टर डिग्री जिसके पास है सोशल साइंस में, फाइन आर्ट्स में, इंग्लिश उर्दू में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। देखें, फिर असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जो भी मास्टर डिग्री है जिसके पास इंग्लिश उर्दू आर्ट्स में, जर्नलिज्म में, इंटरनेशनल रिलेशन में, मैस कम्युनिकेशन में, तो वो इस पर अप्लाई कर सकता है। देखें, फिर असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर है, ठीक है, मास्टर डिग्री जिसके पास है, देखें जी कितनी डिग्रीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में है जिसमें, मैनेजमेंट साइंस में जिसके पास है, सोशल साइंस में जिसके पास है, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जाएं यार, अप्लाई करें इस पर। देखें, फिर असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है, बैचलर डिग्री आपको, देखें जी बैचलर डिग्री है, रेगुलर बेस्ड जॉब है, बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्लाई कर सकता है। देखें, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, ग्रेजुएट डिग्री जिसके पास वो अप्लाई कर सकता है। स्टोर कीपर जो है वो MA जिसने किया हुआ है, या MSc की हुई है, BA या BSc जिसने की हुई है, वो इस पर अप्लाई कर सकता है। यार, 3 वैकेंसीज हैं, जल्दी से जाएँ अप्लाई करें। इस्लामाबाद में देखें जॉब्स हैं ये। SR ऑडिटर की जॉब है, देखिए 2 वैकेंसीज हैं, जिसने MBA किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। जल्दी से मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, UDC की जॉब है, BA BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं भाई इस पे। 3 वैकेंसीज हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, बैचलर डिग्री जिसने किया कंप्यूटर साइंस IT में, वो अप्लाई कर सकता है। देखें जी, सब इंजीनियर सिविल की भी जॉब आ गई है, जिसने 3 साल का डिप्लोमा किया सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, वो भी अप्लाई कर सकता है जी। 5 वैकेंसीज हैं इसमें। देखें, ड्राफ्ट मैन भी अप्लाई कर सकता है, जिसने डिप्लोमा किया है किसी भी चीज़ में, सिविल में, आर्किटेक्चर में, तो वो अप्लाई कर सकता है। जल्दी से जाएं जी, इधर अप्लाई करें। लैब टेक्नीशियन FSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। 5 वैकेंसीज हैं। कंट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, जो भी अप्लाई करना चाहता है करें। साइंटिफिक असिस्टेंट जो है FSC वाले अप्लाई कर दें। LDC जो है वो FA FSC ICOM ICS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, रेगुलर बेस्ड जॉब है, जो भी अप्लाई करना चाहता है करें। खादिम की जॉब है, मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाफिज़ कुरान जो हैं, जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं जी खादिम के तौर पे। तो जल्दी से जो खादमीन हजरात हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जी इस पे। देखें, 2 वैकेंसीज हैं। फिर ड्राइवर की जॉब है, जिनके पास मैट्रिक है, LTV लाइसेंस है, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 12 वैकेंसीज हैं जी। देखिए, सारा एड्रेस उन्होंने बताया हुआ, 12 वैकेंसीज। ड्राइवर भी अप्लाई कर सकते हैं जी। देखिए, फिर ट्रैक्टर ऑपरेटर है, मैट्रिक है, STV लाइसेंस जिसके पास है, वो इस पर अप्लाई करें ट्रैक्टर ऑपरेटर पे। तो जल्दी से जाएं जी, अप्लाई करें। डिस्पैच राइडर है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मोटरसाइकिल का आपके पास एक लाइसेंस हो और आपने मैट्रिक की हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका नहीं समझ आता, मुझसे पूछ ले। नायब कासिद है, सिंपल, जिसने मैट्रिक किया हुआ है, 12 वैकेंसीज हैं, ठीक है। जो भी अप्लाई करना चाहता है कर दे। सिर्फ मैट्रिक किसने किया हुआ है और कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ मैट्रिक किया, आपके पास डिग्री है, जितने मर्जी नंबर हैं, जो भी है आपने इस पर अप्लाई कर दें बस। देखें जी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, AC मैकेनिक सारे हैं। मैट्रिक किया हुआ है आपने, ठीक है, और 6 महीने जो है एटलीस्ट आपने किसी अच्छे फर्म में काम किया वो बस। तो आपको देखें, ये जो है वो मजदूर के तौर पे, इलेक्ट्रीशियन के तौर पे, प्लम्बर के तौर पे, कारपेंटर के तौर पे ये रख लेंगे। 7 वैकेंसीज हैं। देखिए, फिर कैफे अटेंडेंट है, मिडल किया हो आपने यार, 8 सिर्फ पढ़ी हुई है जिसने, वो उस पर अप्लाई कर सकता है। तो जो अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। देखिए, फिर अटेंडेंट की जॉब है, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। ये देखें, इन्होंने आगे तरीकाकार बताया हुआ है कि ये जो है वो सारा जो है तरीकाकार आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अगर जिसको नहीं समझ आया वो मुझसे पूछ सकता है, मैं भी आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि देखें। कहता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो जो अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 17 तक पोस्ट तक जो है वो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, 18 से 25 तक जो पोस्ट हैं उसके जो फॉर्म है वो आपके पास PARC वेबसाइट है, ये वेबसाइट लिखी हुई है, ठीक है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी को अगर नहीं समझ आएगा तो वो मुझसे डिटेल में पूछ सकता है। ये देखिए जी, आपके सामने न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की एक ऐड है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की तरफ से। जो भी इस पे अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करे। चैनल को लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। चलें, अल्लाह हाफिज़।